हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11th का जो पेपर है संस्कृत का, उसके बारे में। जो आपका समय रहने वाला है 3 घंटे, और नीचे आपके निर्देश दे रखे हैं, इन्हें केयरफुली रीड कर लें। सर्वे प्रश्न अनिवार्य संति, सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। दूसरा है प्रश्न नाम सम्मुखे अंक का प्रदत्ता, सभी प्रश्नों के आगे उनके अंक दिए हुए हैं। तो आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। फर्स्ट क्वेश्चन है दिक् प्लस अंबर इतस्य संधि अस्ति, तो इसका जो आंसर रहेगा वह रहेगा दिगंबर। नेक्स्ट है स्वागतम इतस्य पदे संधि अस्ति, तो इसका संधि विच्छेद होगा सु प्लस आगतम, तो इससे बनेगा यण संधि। नेक्स्ट है सदैव इतस्य पदस्य संधि विच्छेद अस्ति, तो सदा प्लस एव, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट है अकुर्वन इत्यस्मिन पदे लकार अस्ति, तो इसमें आपको लकार बताना है। नेक्स्ट है कुरु इत्यस्मिन पदे पुरुष अस्ति। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, जिसका पहला क्वेश्चन है बहुव्री समासस्य उदाहरणम अस्ति, तो बहुव्री समास का जो उदाहरण है वह है पीताम्बर। दूसरा है युप दारु इत्यस्मिन पदे समास अस्ति, तो इसका आंसर है द्वंद। थर्ड है राजदीप इतस्य पदस्य समास विग्रह अस्ति, राजदीप। नेक्स्ट है घन एव श्याम इतस्य समस्त पद अस्ति, घनश्याम। नेक्स्ट है स्यात इत्यस्मिन पदे धातु अस्ति। थर्ड क्वेश्चन है उचित विकल्पम चित्वा लिखत, फर्स्ट है छात्रा विद्यालयम प्रति गच्छन्ति अस्मिन वाक्ये अव्ययम अस्ति, सेकंड है अधोलिखितेषु अव्ययम अस्ति, थर्ड है अधोलिखितेषु अव्ययम नास्ति, गय है अत्र एकम उद्यानम अस्ति अस्मिन वाक्ये अव्ययम अस्ति, पांचवा है प वर्णस्य उच्चारणम स्थानम अस्ति। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको देखने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, जिससे आपको हर वीडियो की अपडेट टाइम से मिल सके। और डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसे भी फॉलो करके रखें, जिससे वहाँ से भी आपको सारी अपडेट और PDF वगैरह मिल सके। तो आइए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 4 है उचित विकल्पम चित्वा लिखत, फर्स्ट है धनवान इत्यस्मिन पदे प्रत्यय अस्ति, नेक्स्ट है बाला इत्यस्मिन पदे प्रत्यय अस्ति, गय है अधोलिखितेषु पदेषु ल्यप प्रत्यय अस्ति, नेक्स्ट है अधोलिखितेषु पदेषु श्रत प्रत्यय नास्ति, नेक्स्ट है क्ष वर्णस्य वर्णयोजनम भवति, प्रश्न के 5 है जिसका पहला है अल्पज्ञ इत्यस्य विलोम शब्द अस्ति, नेक्स्ट है जय इत्यस्य विलोम शब्द अस्ति, तो जय का पराजय ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है अग्नि इत्यस्य पर्याय शब्द अस्ति, तो अग्नि का होगा अनल ऑप्शन नंबर बी। गय है वृक्ष इतस्य पर्याय शब्द नास्ति, तो वृक्ष का होगा तरु। पादप, नेक्स्ट है चंद्रमसि इत्यस्मिन पदे विभक्ति अस्ति, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 अधोलिखितेषु शब्द द्वस्य निर्देशानुसारम शब्द रूपम लिखत, फर्स्ट है अस्मद सप्तमी विभक्ति एकवचनम, सेकंड है इदम पुल्लिंग षष्ठी विभक्ति बहुवचनम, थर्ड है तत् स्त्रीलिंगे तृतीय विभक्ति एकवचनम। प्रश्न के 7 है अधोलिखितेषु प्रश्नेनु त्रयाणां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषायां एक वाक्यन लिखत, तो आपको 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं संस्कृत भाषा में एक वाक्य के अंदर। पहला प्रश्न है अभिमन्यु कुत्र प्रविष्टुम अग्रसर अभवत, सेकंड है
शांक दर्शन प्रणेता के अस्ति, थर्ड है जाल के शिलाखंडम कुत्र प्राप्तम, फोर्थ है रात्रो राजभवने के प्रवेशितुम अर्हन्ति, फिफ्थ है वशिष्ठस्य देनो ऊपरी के आक्रमणम कृतवान, क्वेश्चन नंबर एट है अधोलिखितेषु वाक्येषु वाक्यद्वयस्य निर्देशानुसारम वाच्य परिवर्तनम कुरुत, आपको वाच्य परिवर्तन करना है। पहला है मनीषा लेखम लिखति, सेकंड है अनिकेतन ग्रहम गम्यते, इसको कृतवाच्य में करना है। थर्ड है पंकज चेते, इसको भाववाच्य में करना है। क्वेश्चन नंबर नाइन है अधोलिखितेषु वाक्येषु द्वयो वाक्येयो समक्ष आमन वाक्यानुसारम लिखत, फर्स्ट है रामेण पाठ पठ्यते, कर्मवाच्य में करना है। सेकंड है नरेंद्रेण लेख लिखती, इसको कर्तवाच्य में। थर्ड है तेन भूयते, इसको भाववाच्य में करना है। प्रश्न के दस है संस्कृतस्य द्वयो नाटक कार्यो नामनी लिखत, अगर ये नहीं आता तो अथवा क्वेश्चन है संस्कृतस्य द्वयो नाटकयो नामनी लिखत। प्रश्न के ग्यारह है कति वेदा सन्ति, अति प्राचीन वेद क, अथवा में क्वेश्चन है रामायणस्य रचनाकार क, रामायणे कति श्लोका सन्ति। क्वेश्चन नंबर बारह है प्रदत्त शब्दे त्रयाणाम वाक्यानाम रिक्तस्थान पूर्ति कुरुत, आपको रिक्तस्थानों की पूर्ति करनी है, आपको शब्द दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग ये देख लीजिए ये चार शब्द। प्रश्न तेरह है जिसमें आपको मिलान करना है, ये पाँच दे रखे हैं। पुण्य जनानाम दूसरा है, ऋतस्य पंथानाम थर्ड है, महर्षि कणाद चौथा है ज्ञानात, और फिफ्थ है स्थिर सुखम। प्रसंग 14 है शुद्ध वाक्यानाम समक्ष आम अशुद्ध वाक्यानाम समक्ष न इति लिखत, तो आपको शुद्ध वाक्य सामने आम लिखना है और अशुद्ध वाक्य सामने समक्ष लिखना है। ये आपके सामने वाक्य दे रखे हैं 1-6, इनके सामने इनको देखिए ध्यानपूर्वक और शुद्ध के सामने आम लिख दीजिए और अशुद्ध के सामने न लिख दीजिए। प्रश्न 15 है अधोलिखितेषु प्रश्नेषु चतुर्णाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषायाम एक पदेन लिखत, चार प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको, इन प्रश्नों को देख लीजिए। पहला है नाग स्पर्धिनी का अस्ति, सेकंड है चंद्रापीड़ा कश्य पुत्र आसीत, थर्ड है नयस्य मूलम किम, फोर्थ है केशरीण इव क युद्धम करोति, फिफ्थ है स्त्रीत्वस्य अपरम नाम किम, सिक्स है दानात का विशिष्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 जिसमें आपको गद्यांश दे रखा है, जिसको केयरफुली रीड करना है और सारे क्वेश्चनों के आंसर आपको गद्यांश के अंदर मिल जाएंगे। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला है दीपस्य प्रकाश किमर्थ मंदायते, तो इसका जो आंसर रहेगा वह रहेगा ये। सेकंड क्वेश्चन है दार्शनिक शिरोमणि क, तो इसका जो आंसर रहेगा वह रहेगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। थर्ड क्वेश्चन है दार्शनिक शिरोमणि विचारे किम कर्तुम आरभते, तो इसका जो आंसर रहेगा वह यहाँ से लेके दार्शनिक लिखत मध्य मध्य तणवत पढ़ती। और फोर्थ क्वेश्चन है इसका आंसर रहेगा कदाचित त्रिनोमणि यहाँ से लेके यहाँ तक। इसी प्रकार सेकंड है, इसको आप कर लें जैसे हमने फर्स्ट करवाया वैसे सेकंड कर लें। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, ये देखिए ये भी गद्यांश है, इसको देख लें और सारे क्वेश्चनों को कर लें आप, इनमें से कोई सा भी गद्यांश आपके एग्जाम में आ सकता है इसलिए सबको देख लें। प्रश्न का 17 है अधोलिखित पद्यांशेषु पद्यांश द्वस्य प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाष्य लिखत, आपको आप पद्यांश दे रखे हैं इनको ध्यान से देख लें और इनके प्रश्नों के उत्तर दें। ये पहला प्रश्न है, ये दूसरा प्रश्न है, ये तीसरा, ये चौथा, इसी प्रकार ख और गए ये भी पद्यांश है, इनको देख लें और इनके प्रश्नों के उत्तर दें। ये खे में भी चार हैं और गए में भी चार हैं। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 18 स्वस्य प्राचार्यस्य कृते पंचदिवसानाम अवकाशार्थम प्रार्थना पत्र संस्कृते लिखत, आपको पाँच दिन के अवकाश के लिए अपने प्राचार्य को प्रार्थना पत्र लिखना है। अगर ये नहीं आता है तो अथवा क्वेश्चन है शैक्षणिक भ्रमण आज्ञा प्राप्तुम पितरम प्राप्त
प्रति संस्कृते एकम पत्रम लिखत। आपको अपने पिताजी को पत्र लिखना है। प्रश्न संख्या 19 है, प्रश्न पत्रे समागतान श्लोकान विहाय स्व पाठ्य पुस्तकस्य कंठस्थी कृतम सुभाषित द्वयम लिखत। प्रश्न संख्या 20 है, अधोलिखितम अपठित गद्यांशम सम्यक पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषायाम लिखत। आपको ये गद्यांश को देखना है और इसके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ये आपके सामने प्रश्न है 5, इसको ध्यान से देख लें। सारे क्वेश्चनों के आंसर आपको इसके अंदर ही मिल जाएंगे। जैसे कि सेकंड क्वेश्चन है, संसारे जना किम इच्छन्ति, तो इसका आंसर है संसारे जना सुखम इच्छति। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, अधोलिखितेषु पंच अशुद्ध वाक्यानां शुद्धीकरणीया। आपको 7 शब्द दे रखे हैं, सॉरी वाक्य दे रखे हैं, जिनमें से आपको 5 वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। ये सभी अशुद्ध वाक्य हैं। इसी प्रकार 22 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें आपको एक निबंध लिखना है किसी एक विषय पर। पहला है परोपकार, दूसरा है कालिदास, तीसरा है छात्र जीवनम, फोर्थ है सदाचार। तो ये थे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, इसलिए सारे क्वेश्चनों को देख लें। अगर आप सारे क्वेश्चन याद कर लेंगे और इनमें से एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो आप इजीली कर सकते हैं, इसलिए सारे क्वेश्चनों को देख लें। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ शेयर भी करें। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। सभी को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।